15 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी नेशनल हाईवे से होकर गुजरा था। बीजापुर के जांगला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना जैसे जन कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया गया था। उस वक्त जांगला सुर्खियों में आया था और एक बार फिर जांगला सुर्खियों में आया हुआ है। 15 अप्रैल 2018 को नरेंद्र मोदी आ रहे थे, इस वजह से जांगला जो है सुर्खियों में रहा, लेकिन इस बार किन्हीं और कारणों से जांगला सुर्खियों में रहा, क्या है वो वजह। 6 मार्च 2024 को भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता की माओवाद संगठन द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी और इस हत्या के बाद उनके परिवार की कैसी स्थिति है, पूरे गांव के कैसे हालात हैं, बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल 6 मार्च 2024 को कैलाश नाग, जो कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, इसके साथ ही वो व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल अध्यक्ष भी हुआ करते थे, किसी काम के सिलसिले में यहाँ से कुछ दूरी पर वो गए हुए थे और इसी दौरान माओवाद संगठन द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद गांव में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिवार के सदस्य अभी भी सदमे से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये कैलाश नाग का परिवार है। कैलाश नाग के जी के माताश्री हैं, उनके पिताजी हैं, उनके दो छोटे बच्चे और ये उनकी धर्म पत्नी हैं। हम इनसे बात कर जानने समझने की कोशिश करेंगे कि घटना को बीते हुए करीब एक महीने होने को है, अब कैसे हालात हैं परिवार के, इसके अलावा वो सरकार से क्या चाहती हैं, वो अब कितना महफूज महसूस करती हैं, तमाम चीज़ों पे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैम ठीक, कोई समस्या नहीं, कुर्सी दे दीजिएगा। मैम 6 मार्च को कैलाश नाग जी जब घर से निकले थे, किस काम के सिलसिले में निकले थे, आपसे क्या कहकर निकले थे, घटना की जानकारी आपको कब लगी और घटना से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारियां आप तक पहुंच पाई हैं अब तक? मेरे को घर से निकलते वक्त ही बोला गया था कि मैं 12 बजे तक लौट आऊँगा, दोपहर 12 बजे लौट के आऊँगा, तो साथ खाना खाएंगे बोल के गया था। तो वहाँ से दोबारा फ़ोन रिसीव नहीं किए, मेरा ना बात हुई उनसे एक बार भी। लगातार 12 बजे से 2:30 बजे तक मैं फ़ोन करी, तो उसके 2:30 बजे के बाद फिर मेरा फ़ोन उनका स्विच ऑफ कर दिया गया। उनको करीबन 2:30 बजे उन लोग बुला दो बजे करीबन बुला लिए थे उन लोग, नक्सली लोग। ये गया था कहीं और काम के लिए। किस काम? गाड़ी ख़राब हुई थी, तो गाड़ी जेसीपी, पुराना जेसीपी था, तो उनका इंजन ख़राब हुआ था, तो 2-3 दिन जगदलपुर में थे। रात का 5 तारीख रात को आए, 1 तारीख को 2 तारीख को गए थे, रात को 5 तारीख को आए। आने के बाद 6 तारीख का 9 बजे घर से निकले, 9 बजे फिक्स घर से निकले कि वो बोल के गया कि मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करिए बोल के। फिर दोबारा शाम को 4:30 बजे सुनने की मिली है कि वो नहीं है। अच्छा, इससे पहले नक्सलियों की कोई धमकी कैलाश नाग जी को मिली थी क्या? जी मिली थी, पर्चा और चुनाव के बीचों बीच, हाँ विधानसभा चुनाव, हाँ विधानसभा चुनाव के बीच में लेटर उटर फेंका गया था, तो उनको हम लोग उतना दिल से नहीं लिए कि छोड़ो ये सब बात आम बात ही होती रहती है, इसको अपन तो ये देश में है तो ऐसी चलती रहती है शायद बोल के, अपन को नहीं पता था, पहला बार है तो अपन कुछ नहीं बोले, शांत हो गए। क्या लिखा हुआ था पर्चे में? बोले थे कि बीजेपी कांग्रेस के समर्थन करो, बीजेपी छोड़ो बोल के बोले थे उतने ही, तो अपन देखे और फिर उसके बाद छोड़ो बोल के अब छोड़ दिए, मारा जाओगे ऐसा टाइप का कुछ बोले थे, धमकी दिए थे। और वही उसमें तो याद नहीं है, बस इतना ही लिखा हुआ था कि बीजेपी को छोड़ो कांग्रेस में समर्थन करो, इतना ही लिखा हुआ था, और माओवादी बोल के लिखा हुआ था, बस उतना ही लिखा था, बाकी कुछ नहीं लिखा था उसमें। हाँ, तो उस पर्चे को आपने जला दिया? जी, मैं तुरंत पढ़ के तुरंत इस क्या काम का है, ये तो होते रहता आम बात है बोल के ऐसे हल्के में लेके वो जला दी मैं। अच्छा। हाँ, उनको दिखा कि जला दी, बाहर में फेंको उसको बोले, तो मैं कहीं नहीं बताई ये बात, शांत थी। घटना के बाद गृह मंत्री
विजय शर्मा भी आए थे आपसे मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरह का आश्वासन, किस तरह का विश्वास दिलाया है उन्होंने आपको? जी, बातचीत तो हुई, पर मेरा तो दिमागी हालत ख़राब थी, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी, किसी भी को पहचान नहीं सकती थी, कौन आए थे कौन नहीं आए थे मैं तो नहीं जान सकती। अपने हम उनका छोटा भाई हैं तो पूरा बात वात वही संभाल ले हैं और आगे तक भी संभाल रहे हैं वही। जी, उससे बात बात हुई है, बच्चे लोग के लिए नौकरी मांग किए थे, पढ़ाई लिखाई मांग किए हैं, और कहीं रहने के लिए सिटी जगह में डर बना हुआ है तो थोड़ा रहने के लिए जगह उगह मांग किया गया है। उस घटना के बाद अभी जांगला में कैसा माहौल है, क्या लोगों में आज भी दहशत है, डर बना हुआ है? जी जी जी, डर बहुत फैला हुआ है, जब से एक महीना हो गया फिर भी जांगला गाँव उभर नहीं सक रही है उस घटना से। परिवार की क्या स्थिति है, जैसा कुछ देर पहले बता रहे थे शाम बीतने के बाद डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, तब क्या करते हैं? जी, डर तो बना हुआ है, शाम होने से मैं घर छोड़ देती हूँ, दोनों बच्चे को लेके, अपना सास ससुर को लेके, पुराना घर है थाना के पास वहीं चले जाती हूँ, वहीं रहती हूँ रात भर, फिर सुबह लौट के आ जाती हूँ, फिर शाम को फिर चले जाती हूँ। जी, अभी सरकार से क्या मांग है आपकी? मेरी सरकार से यही मांग है कि मेरे दोनों बेटा को अच्छे से पढ़ाई मिल जाए, एजुकेशन सिटी में अच्छे पढ़ाई लिखाई मिल जाए, और अच्छे से सरकारी नौकरी मिले मेरे बड़े बेटे को, और रहने के लिए मेरे को अटल आवास कहीं से भी थोड़ा सा जगह मिल जाए तो बहुत बहुत उन लोग का गुजारिश है मेरे को। अच्छा जी, क्या नाम है बेटा आपका? प्रशांत नाग। किस क्लास में है प्रशांत? क्लास 9th। अच्छा, कहाँ पढ़ना चाहते हैं? मैं रायपुर में अब पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, जब गृह मंत्री जी आए थे तब आपकी बात हुई थी उनसे? क्या पूछे? नहीं, क्या पूछे? उतना पूछे नहीं, चाचू से पूछे हैं। अच्छा, चाचू से बात की। क्या करना चाहते हैं आप फ्यूचर में, क्या करना चाहते हैं? मैं तो कलेक्टर बनना चाहता हूँ। वैसी पढ़ाई भी करनी होगी। यस। पापा का क्या सपना था आपके लिए? पापा के लिए भी बहुत सारा सपना था सर। आपका क्या नाम है बेटा? रोहित नाग। किस क्लास में हैं आप? क्लास 6। कहाँ पढ़ना चाहते हैं आप? जैसे भैया रायपुर में पढ़ना चाहते हैं, आप कहाँ पढ़ना चाहते हैं? भैया का। भैया? यस। क्या करना चाहते हैं आप, बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? अभी तो सोचा नहीं हूँ। पापा से जुड़ी तो बहुत सी यादें होंगी जो कभी नहीं भूल सकते, लेकिन कोई एक ऐसी याद जो हमेशा याद रहेगी आपको? बिजनेस सीखाऊंगा बोले थे, गाड़ी लूंगा तेरे नाम से लूंगा बोल रहे थे। कौन सी गाड़ी लेने वाले थे? ट्रक। आपके नाम से? यस। साथ में कैलाश नाग जी के पिताजी भी हैं, करीब 40 सालों से ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बलिराम कश्यप जो एक बड़ा नाम हुआ करता था बस्तर की राजनीति में, हमेशा याद रखा जाएगा जिन्हें, उनके साथ भी इन्होंने काम किया है। सर, कैलाश जी की हत्या के बाद अब कैसे हालात हैं, सरकार से क्या कुछ मांग है? सर, सरकार से ये मांग है कि मेरा नाती लोगों को पढ़ा लिखा करके कुछ उसका बाप का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, माओवाद संगठन द्वारा लगातार भाजपा नेताओं की हत्याएं की जा रही है, आप माओवाद संगठन से कुछ अपील करना चाहते हैं? उन लोग से क्या अपील करोगे, वो सारे लोग तो खाएंगे पिएंगे, ये लोग का लेके खाएंगे पिएंगे और उन्हीं लोगों को मार रहे हैं, एक नहीं दस से दस दस आदमी हो गया जी। मार रहे हैं, सबको दहशत फैला रहे हैं जी। अच्छा, माता जी माओवाद संगठन से क्या अपील करना चाहेंगे, आपने अपने बेटे को खोया है, उस दर्द को हम तो महसूस भी नहीं कर सकते जिस दर्द में आप हैं। माओवाद संगठन ने आपके बेटे की हत्या की है, तो कुछ अपील करना चाहेंगे संगठन से आप? मेरे बच्चा लोगों को मैं तो कुछ नहीं जानता है बाबा, मेरे बच्चा लोगों को नौकरी चाहिए, पढ़ा लिखा करना चाहिए, मेरे सियान तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मैं घर कहाँ जाऊँगा, बहू का पीछे बड़ा बेटा पालता था, यही देख रेख सब करता था, हम लोग आप क्या करेंगे, हमारा को कुछ साधन भर होना है मेरे बच्चा लोगों को। परिवार के मुखिया की हत्या हुई है, परिवार के मुखिया जो है हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अच्छा मैम,
अब परिवार की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधे पे है जी। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करती हूँ सर, घर में। आप भी पार्टी से जुड़े रहते हैं? जी पार्टी से जुड़ी हुई थी, पर मैं मीटिंग वीटिंग में जाती थी, बैठक वैठक में, बाकी मैं कुछ काम नहीं करती थी। तो अब करेंगे इस घटना के बाद पार्टी के लिए काम करेंगे? जी मैं करूँगी, जबकि वो थे तो वो जी जान लगा कर रहे थे, तो उनका बदला तो मैं हूँ, मैं करूँगी, मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, चाहे उनका जान चले गए मैं भी खुशी खुशी अपना जान दे दूंगी, मेरे को उससे कोई वो नहीं है। अभी दो बच्चों के साथ साथ बुजुर्ग सास ससुर की भी जिम्मेदारी आपके कंधे पे आ गई। जी जी, कितना मुश्किल है ये? बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ काम करने नहीं जानती थी, मैं कभी कुछ काम नहीं करी हूँ, बस सिर्फ घर के काम के अलावा बाहर का काम कुछ करने नहीं आता है, मैं कैसे पालूँ पोसूँ वही समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, बाकी नहीं पता मेरे को। कोई बिजनेस वगैरह है? बिजनेस तो गला धंधा ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो कैलाश भैया करते थे? हाँ करते थे वो, बस बाकी कुछ नहीं है बिजनेस अपने पास, मेरे पास कुछ नहीं है बिजनेस करने के लिए। अब तो बहुत मुश्किल हो गया परिवार? बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल, मैं कैसे खिलाऊँ कैसे पिलाऊँ, रात दिन सोच सोच के मैं क्या ही बताऊँ, पूरा बहुत तबीयत बिगड़ती जा रही है सोच सोच के। मैं वो थे तो मैं भी बेफिक्र थी परिवार का, बिल्कुल। तस्वीरें दीवार में आज भी चस्पा हैं, जो खूबसूरत यादें रही हैं ज़िंदगी की, और उन यादों को छोड़कर कैलाश नाग जी हमेशा के लिए चले गए। ये उनका परिवार है। मुझको लगा कि बस्तर जंक्शन के माध्यम से कैलाश नाग जी के परिवार से आपको मिलाऊं, बताऊं कि जब किसी की हत्या इस तरह से होती है तब उनके परिवार पर क्या बीतती है। कैलाश नाग जी का परिवार सरकार से ये चाहता है कि उन्हें बीजापुर या फिर किसी अन्य सुरक्षित जगह पे एक आवास की व्यवस्था करवाई जाए, क्योंकि आज भी ये परिवार उस दहशत से, उस डर से बाहर नहीं निकला है। यही एक वजह है कि हर रोज़ शाम डलते ही ये परिवार यहाँ से थाना जो नज़दीक ही है वहाँ जाकर रात गुजारता है किसी तरह। इसके साथ ही परिवार की ये मांग है सरकार से कि बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जाए। जिम्मेदारों से भी हमारा भी निवेदन है कि आप भी इस मामले में थोड़ी सी गंभीरता दिखाएं। बता दें कि कैलाश नाग इकलौते भाजपा नेता नहीं हैं। बस्तर में पिछले लंबे समय से माओवाद संगठन द्वारा भाजपा नेताओं की लगातार हत्याएं की जा रही हैं, उनमें से कैलाश नाग जी भी हैं। मुझको लगा कि जब कोई हत्या होती है तो उनके परिवार पे क्या बीतता है, उसे मैं बस्तर जंक्शन के माध्यम से आपको दिखाऊं, बताऊं। उस परिवार की मांग अब सरकार से क्या है उसे भी दिखाऊं। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको लगता है कि भाजपा नेताओं या फिर किसी की भी जब हत्या होती है तो उसके परिवार का दर्द या उसके परिवार की मांग सरकार तक पहुँचनी चाहिए, पहुँचाई जानी चाहिए, तो आप हमारी इस रिपोर्ट को साझा ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़िम्मेदारों तक, हुक्मरानों तक ये रिपोर्ट पहुँचे और दुख की घड़ी में बीत रहा ये जो परिवार है, बेहद परेशान जो परिवार है, इसकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचे। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा जी वो इस परिवार से मिलने ज़रूर आए थे, उन्होंने इस परिवार को विश्वास दिलाया है, आश्वासन दिया है कि जल्द इनकी मांगें पूरी होंगी। बहरहाल आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपसे होगी मेरी मुलाकात अगले रिपोर्ट में। धन्यवाद।